हमीरपुर के बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर में राजस्व अधिकारी महासंघ की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नारायण सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश सरकार से लंबित पड़ी मांगों पर चर्चा की गई और प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में तहसीलदारों के लिए 30% कोटा तुरंत प्रभाव से बहाल करने की मांग की गई। बैठक में प्रदेश की हर तहसील में वाहन मुहैया करवाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया और जल्द ही प्रदेश सरकार से मिलकर मांगों को रखने के लिए खाका तैयार किया गया। जिला राजस्व अधिकारी के वर्तमान में 10 पदों के स्वर्ग को बढ़ाकर 25 किए जाने की पुरजोर मांग की गई। बैठक में महासचिव राजीव ठाकुर, जय गोपाल शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा और मुंशी लाल अनिल मनकोटिया, वेद प्रकाश आदि मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक सिद्धपीठ श्री बाबा बालकनाथ जी देवसिद्ध मंदिर के परिसर में संपन्न हुई। इस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ की चिर परिचित ज्वलंत मांग कोटा विषय पर चर्चा की गई। राजस्व अधिकारी संघ प्रदेश सरकार से यह पुरजोर मांग करती है कि किसी समय में 30% हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में जो हमारा कोटा था उसको तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रदेश की प्रत्येक तहसील में गाड़ी मुहैया कराई जाए और डीआरओ के पदों का सृजन किया जाए, जैसे कि प्रदेश राजस्व अधिकारी महासंघ विगत कई वर्षों से मांग करता आ रहा है कि हमारे जिला राजस्व अधिकारियों के जो वर्तमान में 10 पद हैं इन्हें कम से कम 25 किया जाए ताकि तहसीलदारों को पदोन्नति का मौका मिले। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राजस्व प्रशासन में सुधार लाने के लिए, राजस्व अधिकारियों की क्रियाशैली में सुधार लाने के लिए भी इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा की गई और इसमें प्रदेश के विभिन्न इलाकों से आए हमारे राजस्व अधिकारी के पदाधिकारियों ने भाग लिया।